हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। दोस्तों, मेरे इस वीडियो के ऊपर वाले हिस्से में आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे कुछ अच्छे वीडियो भी देख सकते हो। और मैंने अपनी जो साइंस रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है उसकी जो मेरी चैनल है उसका मैंने लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर ही दिया है। सो अगर वीडियो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, साउथ कोरिया की जानी मानी मोबाइल की कंपनी यानी कि मोबाइल कैरियर कंपनी एसके टेलीकॉम ने विश्व का पहला 5G टेक्नोलॉजी से सुसज्ज रोबोट का बाजार में लॉन्च कर दिया है। 5G टेक्नोलॉजी से सुसज्ज मीन्स 5G टेक्नोलॉजी के आधारित उन्होंने एक रोबोट जो लॉन्च किया है, उन्होंने बाज़ार में एक व्यापारी तौर पर यानी प्रोफेशनल तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस रोबोट को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी ने योनजिन सिल्वर यांस हॉस्पिटल के साथ साझेदारी की है। यह रोबोट हॉस्पिटल में राउंड मारने के लिए 5G इंटरनेट नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा, जिसमें रियल टाइम लोकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। यह रोबोट अपने आप ही हॉस्पिटल में ऑटोमेटिकली एक नर्स की तरह या फिर एक वार्ड बॉय की तरह चक्कर लगाकर मरीजों का हलचल पूछेगा या फिर उसका बुखार चेक करेगा, मरीज को बुखार है या नहीं, अगर बुखार है तो कितना बुखार है वो भी चेक करेगा। तो इसलिए डॉक्टरों को जो इस कोरोना काल में डॉक्टर या नर्स को जो मरीजों के संपर्क में आते हैं तो कभी कभी डॉक्टर या फिर नर्स भी संक्रमित हो जाती है और इससे उनको भी कोरोना वॉरियर्स होने के बावजूद भी उसको कोरोना का शिकार होना पड़ता है और जिससे आखिरकार मरीजों को ही तकलीफ होती है। और बुखार नापने के लिए टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर का भी इस्तेमाल होता है, वो भी अब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सब सारे काम अब रोबोट कर देगा। और ये रोबोट मरीजों को मास्क पहनने के लिए भी वो कहेगा या फिर मरीजों ने मास्क पहना है या नहीं उसके बारे में भी वो जानकारी देगा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को। यह रोबोट अल्ट्रावायोलेट डिसइंफेक्शन सिस्टम से भी सुसज्जित है जो हॉस्पिटल में जो छोटे बड़े बैक्टीरिया होते हैं और अन्य जीवाणु का भी या अन्य परजीव होते हैं उसका भी जड़ मूल से खात्मा करेगा। यानी इस हॉस्पिटल के में जो छुपे जो बैक्टीरिया है उसका भी वो नाश करेगा और पूरे हॉस्पिटल को डिसइनफेक्ट करेगा। एसके टेलीकॉम ने अपने बयान में बताया है कि अगर कोई मरीज हॉस्पिटल से लापता भी हो जाता है तो भी यह रोबोट रियल टाइम लोकेशन सिस्टम के जरिए उनको उस लापता मरीज को ट्रेस करके उसको ढूंढ निकालेगा ताकि वो मरीज शायद कोरोना से संक्रमित हो या ना हो। अगर कोरोना से संक्रमित हो तो वो एक सुपर स्प्रेडर ना बने, इसके लिए भी इसका कंपनी ने बहुत ही ध्यान रखा है, बारीकी से ध्यान रखा है और इस रोबोट को रियल टाइम सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। और पिछले कुछ सालों में कंपनी ने कोरिया की ओमरोन टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाकर ऑटोमेटिक डिसइनफेक्ट रोबोट को विकसाया था। इससे अंततः फ़ायदा मरीजों को ही होने वाला है और फ़ायदा डॉक्टर नर्स को भी होने वाला है। यानी डॉक्टर नर्स एवं मरीजों के बीच एक एजेंट का काम करेगा ये रोबोट, जो डॉक्टर या फिर नर्स को मरीजों जो कोरोना संक्रमण मरीज है उसके संपर्क में आने से वो बचाएगा और रोबोट को शायद उनको भी कोरोना संक्रमित होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप ही वो खुद को डिसइनफेक्ट करेगा एवं हॉस्पिटल को जो छोटे बड़े बैक्टीरिया है या फिर परजीव है या फिर वायरस है उसको डिसइनफेक्ट करेगा। तो ये सच में एक क्रांतिकारी आविष्कार है 21वीं सदी में। तो ऐसे रोबोट ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स अगर हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो इससे डॉक्टरों और नर्सों और इस कोरोना काल में कोरोना से कम संक्रमित होंगे और जिससे दर्दी का इलाज भी हो सकेगा और दर्दी की अच्छी तरह से देखभाल या फिर मरीज है उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी हो पाएगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना
और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करना। सो थैंक यू।